चुप माही चुप है रांझा, बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, जा जा बोले कैसे वे ना जा, बोले कैसे वे ना जा, चुप माही चुप है रांझा, जा जा। I'm going to start off with skin care. Skin prep अच्छे से करूंगी, उसके बाद I'm going to do my hair and then makeup. And I must say guys, Kiara's makeup was looking so subtle, so pretty, एकदम विद इन ग्लो आ रहा था, dewy, glowy skin था उनका. So skin prep बहुत important है, मैं हमेशा कहती हूँ. So I've already washed my face and applied lip balm on my lips. Moving on to toner. ठीक है, this is a hydrating toner that I'm using to pat it all over my skin. Next up, I'll be using Radiance Serum. इसमें niacinamide और vitamin C दोनों है, and I've been loving this serum a lot lately. So, तीन पम कुछ लिया है, going to spread it अच्छे से all over my face, my neck also. Going to use little bit of under eye gel as well. मेरे under eye ना आजकल काफी dehydrated से feel हो रहे हैं मुझे, पिछले एक हफ्ते से. अच्छे से skin को moisturize कर लेते हैं. I'm using moisture balm. Okay, going to wait for at least 30 seconds. Lastly, my sunscreen. तो कुछ चार पम्प लिया है मैंने neck पे. अरे गाइस, स्किन प्रेपिंग इज डन. जब तक स्किन केयर अच्छे से सिंक इन हो रहा है मेरे स्किन में, तब तक हम हेयर कर लेते हैं. सो कियारा का जो हेयर स्टाइल था ना, इट वाज लो स्लीक बन, और बन के नीचे फ्लावर्स ऐड किए. आई विल बी शोइंग यू हाउ टू क्रिएट दैट हेयर स्टाइल. बहुत ही इजी है इस हेयर स्टाइल को क्रिएट करना. पर्सनली आई रियली लाइक्ड हर हेयर स्टाइल, क्योंकि मुझे वैसे भी स्लीक बन्स काफी ज्यादा पसंद है, आप लोग को ये पता ही होगा. सो टू क्रिएट दिस हेयर स्टाइल, आई बी यूजिंग बी ब्लंस प्रोडक्ट. मैं बी ब्लंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी फॉर पार्टनरिंग अप विद मी फॉर टुडेस वीडियो. मैंने अपने बाल आज सुबह ही धोए हैं. आई एम गोना स्ट्रेटन देम अच्छे से ताकि वो स्लीक लुक आए, क्योंकि मैं एक हीटिंग टूल यूज करूंगी. उसको यूज करने से पहले हीट प्रोटेक्शन इज मस्ट. सो आई विल बी यूजिंग बी ब्लंस हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन मिस्ट. सो आई एम गोइंग टू स्प्रे फ्यू पम्प्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इनटू माय हेयर एंड गोइंग टू यूज माय ब्रश टू स्प्रेड इट इवनली ऑल अक्रॉस माय हेयर. ना जाने कितने बॉटल्स में इस हीट प्रोटेक्शन मिस्ट के खत्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी. सो दिस हैज ग्रेपसीड ऑयल दैट एक्ट्स एज अ नेचुरल हीट प्रोटेक्टेंट. इट कैन प्रोटेक्ट द हेयर फ्रॉम हीट डैमेज अप टू 230 डिग्री सेल्सियस. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्प्लिट माई हेयर इन टू पार्ट्स. ऊपर वाले सेक्शन को सिक्योर करने के बाद नीचे वाले बालों को मैं स्ट्रेट करूंगी. उसके लिए मैं यूज करूंगी बी ब्लंस प्रो इंस्टा स्मूथ हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश. सो आई एम गोइंग टू स्विच ऑन दी स्ट्रेटनर. बाय डिफॉल्ट ये 160 डिग्री पे स्विच ऑन होता है. उसके बाद आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू 230 डिग्री सेल्सियस, जो कि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर ये देता है. एंड देन आई विल स्टार्ट स्ट्रेटनिंग माई हेयर. दैट्स द लुक दैट आई वॉन्ट, क्योंकि कियारा का जो लुक था ना, शी हैड अ वेरी स्लीक हेयर एंड आई वॉन्ट दैट हेयर स्टाइल. सो आप लोगों ने देखा, बालों का करीबन 2 इंच सेक्शन मैंने लेके बालों को स्ट्रेट करना शुरू किया. दिस स्ट्रेटनर इज पावर्ड बाय आयोनिक टेक्नोलॉजी विच टेम्स फ्रिज एंड लीव्स द हेयर सिल्की एंड स्मूथ. मतलब मिनटों में काम हो जाता है. और एक चीज मैंने नोटिस की है, इवनली बाल स्ट्रेट होते हैं विद दिस स्ट्रेटनर बिकॉज इट हैज सिरेमिक कोटेड ब्रिसल्स व्हिच एंश्योर्स इवन हीटिंग अक्रॉस द ब्रश व्हाइल प्रोटेक्टिंग द स्कैल्प फ्रॉम द हीट. एंड एज आई टोल्ड यू, बहुत ही जल्दी बाल स्ट्रेट हो जाते हैं. इट मेक्स दम सिल्की एंड सॉफ्ट एज वेल. वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटनर दैट आई हैव ट्राइड. ऐसा स्ट्रेटनर जो आप स्कैल्प से लेकर लेंथ तक यूज कर सकते हो विदाउट बर्निंग द स्कैल्प. सो इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड क्वालिटी स्ट्रेटनर, आई हाईली रिकमेंड दिस स्ट्रेटनर टू यू ऑल. यू गाइस कैन सी द डिफरेंस. This straightener provides 2x better frizz control and I love that fact about this straightener. You know, I'm using Bee Blunt ke products to create Kiara's bridal look, bridal hairstyle, but you guys are going to be amazed to know that Bee Blunt has been creating so many iconic Bollywood hairstyles. Jaise Dawn mein Priyanka Chopra ka look, Zindagi Na Milegi Dobara mein Katrina ka look, and there are so many other movies and those hairstyles were created by Bee Blunt using their products. Aur main aapko ye isliye bata rahi hu because we have the product, we have the tool, we just need to know how to create the hairstyle. So स्ट्रेट करने के बाद मेरे बाल कितने अच्छे और फ्रिज फ्री दिख रहे हैं. सो अब मैं एक लो पोनीटेल क्रिएट करूंगी. सो क्राउन सेक्शन से थोड़े बाल मैंने उठा के लिए हैं. उसके बाद एक हेयर टाई से मैंने लो पोनीटेल क्रिएट किया है. जस्ट मेकिंग श्योर कि फ्रंट के बाल जो है ना वो मेरे स्लीक हैं, तो मैं हाथों की मदद से उसे एकदम फ्लैट और स्लीक कर रही हूँ. एंड देन आई एम गोइंग टू स्प्लिट माई हेयर इन टू सेक्शन एंड आई विल स्टार्ट ब्रेडिंग माई हेयर. एक नॉर्मल ब्रेड में बनाऊंगी. मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कियारा का मैंने देखा था, इट वॉज अ ब्रेडेड बन. पूरे बालों को ब्रेड करके बन बनाऊंगी ना, तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है सिक्योर करना. बट अगर आप उसे स्प्लिट करके ब्रेड बनाओगे तो इट बिकम्स वेरी इजियर. दैट्स व्हाई आई डिड दिस. सो आई एम गोना रिपीट द सेम थिंग ऑन द अदर साइड एज वेल. अगर आपके थिक बाल है तो आप तीन हिस्सा भी कर सकते हो, बट मेरा दो हिस्से में ही हो जाता है. उसके बाद आई एम गोना टेक वन ब्रेड एंड आई विल स्टार्ट रोटेटिंग इट लाइक सो. एंड देन विद द हेल्प ऑफ जूड़ा पिन आई विल स्टार्ट सिक्योरिंग द हेयर. सो एक ब्रेड के लिए मैं क्लॉकवाइज गई थी और दूसरे ब्रेड के लिए मैं एंटी क्लॉकवाइज करूंगी ताकि मुझे यू नो इवन जूड़ा मिले. माई स्लीक जूड़ा इज डन. उसमें वॉल्यूम भी आ चुका है, वो थिक भी दिख रहा है. Now to add
add roses to my hair, I will take one real rose, uske through I will pass a juda pin and then I will start adding that to my hair. Hame sirf juda ke underneath usse add karna hai. Ek tip yahan pe dena chahungi, agar aap chahte ho ki aapke jo roses hai wo aur better tarike se secure ho, so pehle roses ko ek dhage ke through secure kar lena, make a mala out of it, uske baad add karna, to wo aur better tarike se secure rahenge, jo ki maine baad mein realize kiya. And lastly I'm going to use hot shot hole spray all across my hair taki mere baal jaise hain वैसे रहे, सिक्योर रहे और वो स्लीकनेस मेरे बालों में मेंटेन रहे. दैट्स हाउ आई क्रिएटेड दिस हेयर स्टाइल यूजिंग बी ब्लंड्स प्रोडक्ट व्हिच इज अ प्रीमियम हेयर केयर एंड स्टाइलिंग ब्रांड. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो बी ब्लंड के प्रोडक्ट्स में, दे आर अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart एंड Croma.com. आई विल प्रोवाइड लिंक्स फॉर देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. दिस वाज हिंदी सिनेमा बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणीज ब्राइडल हेयर. नाउ आई एम गोना गो वॉश माय हैंड्स एंड देन आई विल स्टार्ट द मेकअप. फॉर मेकअप आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद पोर फिलिंग प्राइमर. मैं इसे नोज के आसपास सिर्फ अप्लाई करूंगी, यहां हल्का सा टी जोन पे एंड अराउंड माय माउथ एंड गोइंग to blend it wahin pe. नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग कलर करेक्टर अराउंड माई लिप्स, यहाँ यहाँ एंड यहाँ जहाँ पे मुझे एक्ने हुआ था, एक्ने मार्क रह गया है, यहाँ पे जहाँ पे मुझे सनबर्न है, एक्ने मार्क है यहाँ पे. दैट्स इट. आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स लाइक दैट. ओके, टू कलर करेक्ट अंडर माई आईज जो डार्क सर्कल्स हैं मुझे, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एक कंसीलर. नाउडे दिस हैज बीन लुकिंग वन शेड डार्कर विच इज परफेक्ट, क्योंकि इसको हम लोग कलर करेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इनर कॉर्नर के पास भी ले लिया. एंड ऑल्सो यूज दिस ओवर माई आई लिड एज आई शेडो बेस फॉर माई आई शेडोज. टी जोन पे, अराउंड माई नोज एंड यहाँ पे जहाँ पे मुझे एक्ने मार्क्स हैं, और यहाँ पे मुझे फ्रेश एक्ने हुआ है उसको भी कंसील कर देते हैं यहाँ पे. मैं भी इसे ब्लेंड नहीं करूंगी, मैं फाउंडेशन और कंसीलर एक साथ ब्लेंड करूंगी. फॉर फाउंडेशन आई विल बी यूजिंग टू फेस्ड वन दिस वे फाउंडेशन एंड कियारा स्किन वाज लुकिंग फ्लॉलेस यू गाइस. सो मैंने 1.5 पंप लिया है इसका एंड वी विल कवर एवरीथिंग. डॉट डॉट करके फेस पे अप्लाई कर देती हूँ, अराउंड माई लिप्स, हल्का सा फोरहेड पे, नॉट टू फॉरगेट द नेक एरिया. एंड नाउ विल ब्लेंड माई कंसीलर यूजिंग कंसीलर ब्रश and foundation using my foundation brush. So I'm going with the tap motion to get better coverage. अगर आप चाहते हो coverage को light रखना तो आप beauty blender से blend कर सकते हो आपका foundation, क्योंकि beauty blender काफ़ी कुछ products soak कर लेता है but brush ऐसा नहीं करता. Look at my base, it is looking so good, so flawless और light भी लग रहा है base मेरा. अभी set करना बचा है base को. I'm going to highlight under my eyes just a little bit, यहाँ inner corner पे, outer corner पे. So this is a concealer shade which is one shade lighter to my skin tone. ठीक है, एंड डॉट डॉट करके टी जोन को हाईलाइट कर देते हैं. To blend it with the help of my concealer brush. So inner corner से blend करना शुरू करूंगी ताकि inner corner highlighted लगे. It's gonna look so good. See, highlighted लग रहा है ना. And then I will drag the product ऐसा ऐसा and ऊपर की तरफ से push करूंगी, highlighting the T-zone now. Her makeup was definitely looking like less is more kind of a look it was. I think Kiara also looks very pretty without any makeup. उनकी skin ही ऐसी है guys. Before I set my face, I'll be also using a liquid blush on my face. मैं चाहती हूँ within glow आए मेरे skin में. And her cheeks were looking so flushed. So I'll be using this Cuffs and Lashes का liquid blush. Oh my god, this is so beautiful. इसका formula बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद. And this is the shade 2022. So 1, 2, 3 dots. यहाँ पे ऐसे, ये nose पे भी हल्का सा लगा लेती हूँ and chin पे. Then I'm going to blend it with the help of a brush like that. तभी नोटिस क्या होगा कि मैंने एप्पल्स पे अच्छे से ब्लश का अप्लाई किया और फिर जहाँ पे कॉन्टोर यूजुअली करती हूँ ना वहाँ तक ड्रैग करके लेके गई ब्लश को. अभी तो सेट करूंगी ना जब पाउडर से ब्लश को तो ब्लश और कम हो जाएगा. विल बी ऑल्सो यूजिंग अ पाउडर ब्लश, लिक्विड ब्रश, पाउडर ब्लश इसलिए यूज करी ताकि जब पाउडर ब्लश मेरे स्किन से हट जाए तो लिक्विड ब्लश विद इन ग्लो देता रहे मेरे स्किन को, वो फ्लश ऑफ कलर देता रहे मेरे स्किन को. टू सेट माई फेस आई एम गोना यूज कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि मेरा टूट चुका है बट बहुत ही अच्छा फॉर्मुला इस कॉम्पैक्ट पाउडर का. अंडर आई को सेट करने से पहले आई ऑलवेज लाइक टू go ahead with my concealer brush to avoid any creasing and then I'm going to pick the product, tap off the excess and upar dekh ke setting my under eyes and niche dekh ke setting my eyelid. So pehle under eye ko aur eyelid ko set kar lete hain, uske baad I'm going to set my entire face using this compact powder. Acche se nose pe, lips ke aas paas, T zone pe, har kahin apply karungi is compact powder ko. Moving on to eyes, उन्होंने कोई eyeliner apply नहीं किया था, कोई falsies कुछ नहीं, but little bit of eyeshadow, little bit of hint of like rose gold shimmer eyeshadow. So first I'm gonna pick this matte mauve rose color, mix this with this peach color, and going to apply this on my crease like that and flick it outwards. And taking a different eyeshadow brush, I'm going to pick this
mauve rose matte eyeshadow. I'm going to apply this all over my eyelid. This is going to be base for the shimmer that I'm going to apply on my eyelid. This eyeshadow look ko create karna bahut hi zyada easy hai. Not many steps are there. Agar aapke paas ek nude eyeshadow palette jisme thode bahut aise mauve rose colors, muted colors hai, you can definitely create this look using your own eyeshadow palette. Photographs mein thode different lag raha tha unka eyeshadow, fir videos mein definitely samajh mein aaya ki shimmer hai unke eyes mein, warna photographs mein to samajh mein nahi aa raha tha. So this is an inspired look. All right guys, moving on to start of this look, this liquid eyeshadow, this is in the shade Azalea. So I'm going to apply this on my eyelid essay, and with the help of my fingers I will start spreading it all over my eyelid. इसे टैप टैप करके बस अप्लाई करके इसे ब्लेंड कर रही हूँ. आई डोंट वांट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इस आई शेडो का. उसके बाद क्रीज लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं ताकि देयर इज नो हार्श लाइंस. अप्लाइंग इट ऑन दिस आई एज वेल. बस अप्लाई करके ब्लेंड करना शुरू कर दो, अदरवाइज वो सेट होना शुरू हो जाता है बहुत ही जल्दी ये आई शेडो. आई हैव आल्सो डिसाइडेड टू यूज दिस मॉव पिंक शिमर शेड जो कि इसी लिक्विड आई शेडो का ऐसे पैलेट फॉर्म में है. आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन दी सेंटर लाइक दैट, लाइक टैप 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 टैप. फॉर माई लोअर लैश लाइन आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्राउन शेड. ये मिक्स दिस विद दिस मॉव शेड एंड गोइंग टू अच्छे से कॉन्टोर माई लोअर लैश लाइन. कियारा का लोअर लैश लाइन बहुत अच्छे से कॉन्टोर दिख रहा था. डीपली कॉन्टोर किया मैंने, यू कैन सी द डिफरेंस राइट हियर. लेट मी डू दिस ऑफ कैमरा. ओके, आई डिड दिस आई ऑफ कैमरा. अब मैं एक फ्लैट पेंसिल ब्रश में थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ, एंड देन आई एम गोना पिक माई हाईलाइटर. दिस इज शैम्पेन पॉप, टैपिंग ऑफ द एक्सेस एंड गोइंग टू हाईलाइट इनर कॉर्नर ऑफ माई आईज. और हल्का सा नीचे लोअर लैश लाइन के पास भी ड्रैग किया प्रोडक्ट को, और आई शेडो के साथ मैंने ब्लेंड कर दिया ऊपर वाले आई शेडो के साथ. गोइंग टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग ऑन द अदर आई. इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर रही हूँ मैं, एंड गोइंग टू हाईलाइट द आईब्रो आर्क एरिया विद दिस हाईलाइटर एज वेल. And now I'm going to apply mascara. उससे पहले I'm going to curl my eyelashes. ऐसा लग रहा था कि she was not wearing any falsies. और अगर पहना भी होगा तो उन्होंने individual eyelashes पहने होंगे just to make her eyes look fuller a bit. But I'm not going to apply any individual eyelashes. I'll be using this mascara. ये बहुत अच्छे से volume देता है और ऐसा लगता है कि आपने falsie apply करके रखा हुआ है. Just that बहुत सारा coat apply करना पड़ता है इसका अच्छा खासा. So excess remove कर दिया मैंने and I will start coating my eyelashes. ठीक है, this is a water resistant mascara, not a water प्रूफ वन. सो आप चाहो तो इसके साथ दूसरा मस्कारा भी लेयर कर सकते हो, कोई वाटर प्रूफ मस्कारा. ओके, दैट्स फ्यू कोट्स दैट आई अप्लाइड. आई एम गोना लेट इट ड्राई अ बिट. तब तक मैं यहाँ अप्लाई कर देती हूँ मस्कारा. जस्ट फ्यू कोट्स ऑफ दिस मस्कारा एंड गिव्स यू अ फुलर इफेक्ट एंड इट लुक्स सो बॉम ऑन द आईज गाइस. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा. ठीक है, जो भी मस्कारा ऊपर ऐसे लग गया है ना उसको हम ड्राई होने के लिए देंगे. जब वो ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम उसे निकालेंगे. गोइंग टू अप्लाई डिफरेंट मस्कारा विच इज अ वाटर प्रूफ मस्कारा ऑन माई लोअर लैशेज. जस्ट रिमूविंग द एक्सेस एंड कोटिंग ईच ऑफ माई आई लैशेज. उन्होंने काजल अप्लाई नहीं किया था बट वी आर गोइंग टू टाइट लाइन आर वाटर लाइन फॉर श्योर. जब मैं आईब्रोज फिल करी थी ये वाले साइड का ना तो इसका प्रोडक्ट कहीं गिर गया एंड इट्स एम्प्टी नाउ. सो आई एम यूजिंग अनदर आईब्रो प्रोडक्ट फॉर दिस साइड. डोंट वरी, दोनों का शेड एकदम सेम है. नाउ आई एम यूजिंग आईब्रो मस्कारा टू सेट माय आईब्रोज इन प्लेस. तो यहाँ अपर स्ट्रोक और यहाँ इन एन एंगल स्ट्रोक देके, सच इम्पॉर्टेंट स्टेप दिस इज, क्योंकि नेचुरली मेरे आईब्रो का फॉल ना नीचे आता है. अगर मैं सेट नहीं करूँ ना सारे के सारे आईब्रो हेयर नीचे आ जाएंगे, वो अच्छा लुक नहीं देता. मूविंग ऑन टू ब्लश, आई बी मिक्सिंग दिस टू ब्लश. दिस इज अ मैट पीच कलर एंड ये एक शिमरी रोजी कलर है. पिकिंग दिस एंड दिस, टैपिंग ऑफ द एक्सेस एंड अप्लाइंग दैट ऑन द एपल्स ऑफ माई चीक्स एंड देन ड्रैगिंग इट अपवर्ड्स. डेफिनेटली कियारा का जो ब्लश है ना वो बहुत ही डुई सा, ग्लोई सा था, इसलिए मैंने एक शिमरी ब्लश पिक किया है टू गिव मी दैट डुई इफेक्ट. आप एक हाइड्रेटिंग सेटिंग्स पे भी अप्लाई कर दोगे आपके ब्लश के ऊपर तो भी आपको एक डुई इफेक्ट मिल जाएगा और आपका मेकअप भी डुई हो जाएगा. मैं एकदम ज़्यादा रोजी कलर चाहती नहीं थी इसलिए मैंने एक पीची कलर ब्लश मिक्स किया और नोज पर भी अप्लाई कर देती हूँ. एंड यूजिंग अ ब्रॉन्जर आई एम गोइंग टू एवर सो स्लाइटली कॉन्टोर माई फेस एंड ऑल्सो माई नोज. कियारा हैज़ अ वेरी चिजल्ड फेस. लग नहीं रहा था कि उन्होंने कॉन्टोर किया बट आई नीड कॉन्टोर स्पेशली for like my jawline a bit which I'm gonna do after doing this side. So हल्का सा यहाँ पे contour product apply कर देते हैं blush के हल्का सा नीचे like that and jawline पे और hairline को भी. Mostly contour वगैरह ना pictures में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा harsh contour नहीं दिखाना है मुझे. फिर छोटा सा blending brush लिया है मैंने and going to define my nose with this. पहले product apply कर दिया, removing the excess and then blend.
वन थिंग आई डेफिनेटली नोटिस दैट कियारा का जो ब्लश लाइन था ना वो बहुत ही डिफाइंड था. सो वी आर गोना डू दैट यूजिंग फ्लैट साइड ऑफ माई ब्यूटी स्पॉन्ज. आई एम गोना पिक माई कॉम्पैक्ट पाउडर एंड डिफाइन माई कॉन्टोर एंड ब्लश लाइन. बिग ब्रश की मदद से आई एम गोना ब्लेंड इट. And now using a spoolie, I'm going to remove mascara जो यहाँ पे लग गया था ना, excess mascara eye shadow के ऊपर. कोई eyeliner नहीं लगाया था उन्होंने, तो we don't want that eyeliner look. With the help of a kajal, I'm going to tightline my upper waterline only. Lower waterline पे नहीं apply करूँगी इसे. ऐसे में ना और fuller दिखते हैं आपके eyelashes. Going to set my entire makeup, उसके बाद में highlighter apply करूँगी. Just fanning my face now. It's a very very important step. It's time to apply highlighter. Again, I'm using champagne pop highlighter. But मैं इसके साथ एक pink undertone का highlighter mix करूँगी, ये वाला. Tapping off the excess. I'm going to apply that यहाँ पे. Look at that highlighter, guys. It's so pretty. Also going to apply it on the bridge of my nose. Little bit on my chin. और ये eyebrow arc area पे भी apply कर देते हैं फिर से. It's time for lipstick. मुझे एकदम अच्छे से undertone तो समझ में नहीं आया. It was definitely a peachy pink nude lipstick or a pink nude lipstick. So I'll be going with a peachy pink nude lipstick or pink nude lipstick के बीच का shade. So first of all, I'm going to outline my lips using a brown lip liner. Okay, slightly filling it in also outer edges को. And then I'm going to use this nude lipstick. It's called Carnation Nude. And I'm going to also use this lipstick which is called Mauve Ecstasy. हल्का हल्का टैप करूँगी मैं यहाँ पे सेंटर पे स्पेशली. एंड दिस इज द लिपस्टिक कॉम्बो फॉर टुडे. लेट मी फिनिश द एंटायर लुक, वेयर माई ज्वेलरी, माई दुपट्टा, एवरीथिंग. आई विल बी राइट बैक. और एवरीवन, सो मैंने आउटफिट और ज्वेलरी पहन लिया है, मैंने बिंदी भी ऐड कर दिया. एंड दिस ज्वेलरी, दिस दुपट्टा, एवरीथिंग इज डेफिनेटली एलिवेटिंग द लुक. सो दिस आउटफिट दैट आई एम वेयरिंग, दिस ब्लाउज, दिस लहंगा, दिस दुपट्टा इज फ्रॉम जीवा डिजाइनर स्टूडियो. ये जो फ्रंट दुपट्टा मैंने ऐड किया है, ये मैंने मार्केट से जाके कपड़ा खरीदा और उसे फिर डाई करवाया ये ऐसे बेबी पिंक कलर में. दिस आउटफिट इज सो ब्यूटीफुल. इसमें हैंड वर्क है एंड दिस ज्वेलरी, ये माथा पट्टी, इयर रिंग्स, ये गले का, ये बैंगल्स, एमरल्ड का कड़ा मैंने पहन रखा है. एंड दिस हाथफुल, दिस ज्वेलरी are by AGS. इनका ऑनलाइन स्टोर है और ऑफलाइन स्टोर भी है उनका भोपाल में. आई एम गोना लिंक एवरीथिंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग द इंस्टाग्राम पेज. और मेकअप इतना सटल और ग्लोई है, ये आउटफिट को कितने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. इट इज अ वेरेबल लुक, आप अपनी खुद की शादी में पहन सकते हो या अगर आपके घर पे कोई शादी है, पार्टी है, उसमें आप इस मेकअप लुक को क्रिएट कर सकते हो. और गाइस, सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे. मेकअप, हेयर, ज्वेलरी, आउटफिट सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको इस वीडियो में. आई होप आपको आज का वीडियो देखने में मजा आया होगा. यू फाउंड टुडेस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, और कुछ नए मेकअप एंड हेयर ट्रिक्स आपको सीखने को मिले होंगे. अगर आप ऐसे और वीडियो सीखना चाहते हो मेरे चैनल से, देन यू नो व्हाट टू डू. प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन माय चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर.